दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी कि सलमान खान के साथ अब तक कई अभिनेत्रियों ने काम किया है। उन्हीं में से एक अभिनेत्री है अश्विनी भावे, जो इनके साथ हमें बंधन फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई थी, जिसमें अश्विनी भावे सलमान खान की बहन का किरदार निभाते हुए दिखाई दी थी। इनका ये किरदार दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सलमान खान के साथ बंधन जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुकी अश्विनी भावे का करियर बिगाड़ने के पीछे भी सलमान खान का हाथ है? जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर थोड़ा हैरान हो गए होंगे, पर ये बात सच है कि जो सलमान खान ने आज तक सबका करियर सवारा है, वही इन्होंने अश्विनी भावे का करियर बिगाड़ दिया है। तो आखिर कैसे अश्विनी भावे का करियर बर्बाद करने में सलमान खान का हाथ है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। लेकिन बंधन जैसे पॉपुलर फिल्म के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के साथ साथ मराठी फिल्मों का भी जाना माना नाम बनने वाली अभिनेत्री अश्विनी भावे आज भले ही बॉलीवुड जगत से दूर हो गई हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये अभिनेत्री बॉलीवुड में अपनी अदाई और खूबसूरती से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती थी। आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी, जिनमें माधुरी दीक्षित से उनका चेहरा मिलने के कारण उनकी पहचान केवल मराठी फिल्मों तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि उन्हें बॉलीवुड में भी काफी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई। जहाँ बॉलीवुड में एंट्री ते ही उन्होंने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म हिना में काम किया, जिसमें उन्होंने चांदनी का किरदार पर्दे पर उतारा था, जिसे बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी अभिनेत्री रिजल्ट कर चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने इस किरदार को पर्दे पर उतारा तो इनके इस किरदार को काफी सराहना की गई, जिससे बॉलीवुड में इनकी सफलता के आसार लगाए जाने लगे। इस फिल्म के बाद इनके करियर की सबसे बड़ी सफल फिल्म साबित हुई 1993 में आई फिल्म सनेक, जिसमें इन्होंने अक्षय कुमार के साथ काफी खूबसूरत केमिस्ट्री पर्दे पर उतारी, जिसके चलते ये फिल्म काफी हिट साबित हुई। जिसके बाद इन्होंने काफी बड़े बड़े बैनर के ऑफर आने लगे, जहां बड़े बैनर को देखते हुए इन्होंने यशराज बैनर के तले बनी फिल्म परंपरा को साइन कर लिया, जिसमें इनका किरदार सैफ अली खान और आमिर खान की मां का था। पर ये डिसीजन इनके करियर के लिए कुछ ठीक साबित नहीं हुआ, तभी तो इस फिल्म के बाद इन्हें फिल्मों के ज्यादातर ऐसे ही रोल ऑफर होने लगे। उन्हें फिल्मों में ज्यादातर भामी माँ या फिर माँ का किरदार ऑफर किया जाता था, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा ही खुद को काफी सफल अदाकारा बनता हुआ देखना चाहती थी। उन्हें पता था कि इन किरदारों से उन्हें कभी भी कोई खास पहचान नहीं मिलेगी। इसके अलावा इन्हें और भी कई फिल्में ऑफर की गई, जिन्हें इन्होंने साइन तो कर लिया, लेकिन उन फिल्मों की शूटिंग कभी भी शुरू नहीं हुई। हालांकि उस दौरान अश्विनी भावे को एक और मौका मिला, जिससे वो एक बार फिर से बॉलीवुड में सफलता के मुकाम को हासिल कर सके। साल 1995 में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया और वो फिल्म थी बंधन, जिसमें इन्होंने सलमान खान की बहन का किरदार पर्दे पर उतारा था, जिसे इन्होंने बड़ी फिल्म समझकर साल 1995 में ही साइन कर लिया था। पर हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद इसे बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, जिसके बीच में ही अश्विनी भावे की मुलाकात बिजनेसमैन किशोर से हुई, जो कि एक यूएस में बेस्ड थे। कई मुलाकातों के बाद अश्विनी भावे इनसे प्यार कर बैठी और अपने करियर को देखते हुए इन्होंने इनसे शादी करने का फैसला भी कर लिया। वो शादी करके यूएस में सेटल हो गई, लेकिन क्योंकि उनकी ये फिल्म बंधन तब तक पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी अपने इस फिल्म को पूरा करने के लिए कई बार इंडिया का सफर तय किया। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान के साथ की गई फिल्म बंधन को ही अपने इंडस्ट्री छोड़ने का जिम्मेदार बताया, क्योंकि इस फिल्म को बनने में इतना टाइम लग गया था कि उन्होंने इसके चक्कर में कई और रोल्स रिजेक्ट कर दिए। साथ ही जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सलमान खान और रंबा जैसे कलाकारों के आगे कोई खास रोल ना होने के चलते उन्हें इस फिल्म से कोई खास सराहना हासिल नहीं हुई। और इस तरह इस खूबसूरत अदाकारा का बॉलीवुड का सफर सलमान खान के साथ इस फिल्म में काम करके सफल मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अश्विनी भावे का करियर खत्म होने की वजह क्या सच में सलमान खान है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।